नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक और वीडियो में। और दोस्तों, आज के वीडियो की जो शुरुआत है वो एक रिक्वेस्ट के साथ करेंगे। एनालिटिक्स अभी भी ये बता रहा है कि 60% जो वॉच टाइम है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दोज पीपल्स हु हैड नॉट येट सब्सक्राइब्ड माई चैनल। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, उसको घंटों तक आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा टोटल वॉच टाइम 28 डेज़ का, वो सैकड़ों घंटों के अंदर आ रहा है। और उन सैकड़ों घंटे के वॉच टाइम के अंदर 60% लोग एनालिटिक्स बता रहा है कि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो देखिए, अगर आप चैनल देख रहे हैं और घंटों तक देख रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल और मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे प्रोत्साहन के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका इंटरेस्ट है होम्योपैथी और मेडिकली लिटरेट होने में और मेडिसिन की फील्ड में, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो, जैसा कि आप शीर्षक में देख पा रहे हैं, वो है इपिडिडाइमल सिस्ट के बारे में। इस वीडियो को बनाने के पीछे भी एक किस्सा है, जैसे कि हर वीडियो के पीछे कहीं ना कहीं कोई सब्सक्राइबर का कमेंट या फिर कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। तो इसके पीछे जो हिस्सा है, सबसे पहले तो नाम एक और बार बता दूं वीडियो का, शीर्षक का, यह है इपिडिडाइमल सिस्ट। सिस्ट मतलब गठान और इपिडिडाइमल मतलब पर्टेनिंग टू इपिडिडाइमिस, जो कि होता है टेस्टिस का एक पार्ट। तो जब टेस्टिस के उस पार्ट में, जिसको इपिडिडाइमिस बोलते हैं, वहाँ पे कोई गठान बन जाती है, तो दैट इज़ नोन एज द इपिडिडाइमल सिस्ट। अब सीधे आते हैं उस किस्से के ऊपर जो इसके पीछे है। वो किस्सा ये है कि मेरे पेशेंट पिछले दिनों अपने बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे एंड ही वॉज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ईचिंग इन द इंग्वाइनल रीजन। तो वो वहाँ पे स्क्रॉटम के आसपास खुजली कर रहे थे। अब खुजली करते करते उनको फेल्ट हुआ एक हल्का सा लंप इन द रीजन ऑफ टेस्टिस। वो टेस्टिस के एंटीरियर पार्ट पे था, मतलब सबसे ऊपर की तरफ से थोड़ा पीछे, और वो था टुवर्ड द लेटरल साइड। तो पहले उनको लगा कि यार मे बी उनका कोई कन्फ्यूजन होगा। फिर उनने फिर बकायदा बैठ के बहुत कॉशसली उसको जब पल्पेट किया, तो ही फाउंड दैट कि ही इज़ हैविंग अ पी शेप्ड, मतलब मटर के दाने जितना बड़ा एक लंप था उनको इपिडिडाइमिस में, विच इज़ आफ्टर माई डायग्नोसिस मैंने उनको बताया कि इपिडिडाइमल सिस्ट है। और दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जनरली आदमी को पता नहीं होता कि उसको इपिडिडाइमल सिस्ट है। क्यों नहीं पता होता? कि भाई कौन टेस्टिस को कौन टटोलता रहता है दिन भर, है ना? मतलब कोई ऐसे जनरली मैन्युअली आप उसका इंस्पेक्शन थोड़ी करते हो ऑन द रेगुलर बेसिस पे, है ना? तो आपको पता नहीं होता, वो तो ऐसे ही इंसिडेंटली उसका पता लगता है। और पता लगने के बाद भी बंदा जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है किसी से बात करने में, क्योंकि सबसे पहली चीज़ प्राइवेट पार्ट का मसला है, और ऊपर से 90% केसेस में इपिडिडाइमल सिस्ट कोई प्रॉब्लम कर भी नहीं रहा होता, बंदे को उससे कोई पेन कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, इसलिए उसका जो डायग्नोसिस होता है वो जनरली एक्सीडेंटली होता है, कि जब वो किसी भी कारण से वहाँ पे गया, वो पल्पेट कर रहा था, तब इसका डायग्नोसिस हुआ। क्योंकि अगर पेन डिस्कम्फर्ट कुछ भी उसको डिफ़िकल्टी होती, तो इसका डायग्नोसिस पहले ही हो जाता। बट 90% में ये असिम्प्टोमेटिक होता है, और 10% केसेस के अंदर ये जो रहता है, इसका सिम्टम रहता है पेन। ये पेन कब करेगा? ये कोई भी मोमेंट पे पेन कर सकता है। जनरली इपिडिडाइमल सिस्ट के पेशेंट को अगर पेन होता है, तो वो इंटरकोर्स के दौरान ज़रूर होता है इसको। उसके अलावा वाह बाइक पे बैठने पे, कोई फास्ट मूवमेंट करने पे, रनिंग करने पे, मे नॉट ही कैन फील सम पेन। तो दोस्तों, आइए अपन दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं, इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या और दिखता कैसा है। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपन इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा है, हमारा मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का ये जो है डायग्राम है। पहले हम नॉर्मल केस में देखते हैं। ये जो होता है हमारा टेस्टिकल्स होता है ना, और टेस्टिकल के ऊपर ये होता है इपिडिडाइमिस। ये होती है हमारी इपिडिडाइमस से जो निकल रही है, ये होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इपिडिडाइमिस के ऊपर जब ये एक गठान जैसी बनती है, तो ये बेसिकली यही जो होता है, इसको स्पर्मेटोसील बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम इपिडिडाइमल सिस्ट। आप समझे मेरी बात? अब सबसे पहले आप, मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा यहाँ पे, जो आपको आगे के वीडियो में भी एज अ रेफरेंस काम आएंगी। वो ये है कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीखेंगे
टेस्टिस में होने वाली सारी बीमारियों का ये बहुत ही सुंदर डायग्राम मेरे को गूगल पे मिला, और इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। एक्चुअली जो टेस्टिस होती है, होती तो इतनी सी है, पर इस इतनी सी टेस्टिस के अंदर कम से कम 5-6 प्रकार की जो होती हैं पैथोलॉजीज पाई जाती हैं। पहले आपको उसके बारे में आप डिफरेंस जब समझ लेंगे ना, तो इनकी मेडिसिन, क्योंकि अब आने वाले वीडियो में अब मैंने टेस्टिस की बात शुरू ही करी है, तो फिर मैं आगे के वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि भाई बाकी जो बीमारियां उनकी मेडिसिन क्या है और उनसे अपन को किस तरह से डील करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये एपिडिडाइमल सिस्ट जो है, जिसके बारे में हम अभी वीडियो बना रहे हैं, वो इस तरह से दिखती है कि टेस्टिस के ऊपरी हिस्से के अंदर ये जो एपिडिडाइमिस है, आप देख रहे हैं zigzag, ये पूरा एपिडिडाइमिस है, और यहाँ पे जब ये सिस्ट बनता है तब इसको कहते हैं हम एपिडिडाइमल सिस्ट, ये वीडियो जिस बारे में है। उसके अलावा जो दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हाइड्रोसिल। तो व्हाट इज हाइड्रोसिल? हाइड्रोसिल मतलब जो टेस्टिकल होता है, टेस्टिकल की जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। सीरस मेम्ब्रेन मतलब अपन ने देखा है एनाटॉमी में हर ऑर्गन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, तो यह सीरस मेम्ब्रेन जो होती है, जो उसको कवर करके रखती है। जब इस सीरस मेम्ब्रेन के अंदर पानी भरता है, जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन में पानी भरता है तो प्लूरेसी कहलाती है, या निमोनिया जैसे, मतलब प्लूरेसी अपने नाम सुना होगा। दूसरा, जब हार्ट की जो सीरस मेम्ब्रेन में ऊपर पानी भरता है तो उसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। जब पेरिटोनियम की जो सीरस मेम्ब्रेन है वहाँ पे जब पानी भरता है तो उसको हम पेरिटोनाइटिस के द्वारा पैदा हुआ असाइटिस बोलते हैं। उसी तरह से जब टेस्टिकल की आउटर कवरिंग के ऊपर पानी भर जाता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिल। ये हम बात किस बारे में कर रहे हैं? डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर रहे हैं पेन एंड स्वेलिंग इन टेस्टिस का। तो एपिडिडाइमल सिस्ट कैसा दिखेगा हमको? वो हमको दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ सिंगल नोड्यूल, बाकी पूरी टेस्टिस नॉर्मल रहेगी। पर हाइड्रोसिल के अंदर पूरी की पूरी टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग आएगी, एंड दैट स्वेलिंग मे नॉट बी एसोसिएटेड विथ पेन। तो हमने दो चीज़ें देख ली, एपिडिडाइमल सिस्ट देख लिया, हाइड्रोसिल देख लिया। हाइड्रोसिल के बाद हम बात करेंगे वेरिकोसिल। ये भी बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और लोगों के अंदर बहुत कॉमनली पाई जाती है। व्हाट इज वेरिकोसिल? कि भाई टेस्टिस को सप्लाई करने वाली जो वेन्स होती हैं, जो लौटने वाली वेन्स हैं, आप जैसे देख रहे हैं आप, ये रेड कलर की आर्टरी है, ये लौटने वाली वेन है। तो जो वेन्स हैं जो लौट रही हैं, उन वेन्स के अंदर छोटे छोटे ट्यूमर जैसे गुच्छे बन जाते हैं, दैट इज द स्वेलन फॉर्म ऑफ द ब्लड वेसल। वो वेन्स कहला, वेन्स का सूजा हुआ रूप होता है, तो दैट इज वॉट इज नोन एज द वेरिकोसिल। अब अभी ध्यान से देखिएगा, वेरिकोसिल में भी पेन करता है, एपिडिडाइमल सिस्ट के 10% केसेस में पेन करेगा, हाइड्रोसिल के अंदर भी पेन करेगा, पर वेरिकोसिल भी एपिडिडाइमल सिस्ट की तरह ऊपर एक गुच्छे के रूप में एक स्वेलन ट्यूमर जैसा ही आपको प्रतीत होगा, ठीक है ना। चौथी जो प्रॉब्लम है वो है भाई टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस के अंदर पूरा का पूरा टेस्टिस का जो पैरेन्काइमा होता है उसमें स्वेलिंग होगी, दैट मे बी द ड्यू टू द एनी इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, वो कोल्ड ठंड बैठने की वजह से हो सकती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। इसके अंदर भी मे और मे नॉट भी स्वेलिंग होगी और पेन तो होगा ही होगा। और जो पांचवी चीज़ है एपिडिडाइमाइटिस मतलब एपिडिडाइमल सैक का इन्फ्लेमेशन भी होता है, उसके अंदर भी पेन होता है। और छठी चीज़ जो है वो कैंसर। तो दोस्त एक जो दोस्तों एक टेस्टिस के अंदर इतने फसाद होते हैं। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एपिडिडाइमल सिस्ट, ठीक है ना। तो हम एपिडिडाइमल सिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और एपिडिडाइमल सिस्ट जो है वो इस तरह का दिखेगा। ये दोस्तों जो हमारा जननांग है उसके अंदर जब इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, ये नॉर्मल एपिडिडाइमिस है और ये स्वेलन एपिडिडाइमिस है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एक छोटी सी गांठ दिख रही है। और ये जो चीज़ होती है अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, ये एपिडिडाइमल सिस्ट की बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल टेस्टिस है, नॉर्मल एपिडिडाइमिस है, ये एपिडिडाइमिस है पूरा। और ये उसी एपिडिडाइमिस में जब गठान बन जाती है तो इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमल सिस्ट, ठीक है ना।
तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास पेन इन टेस्टिस का केस आता है तो हमारे पास दो ही चीज़ हैं कि हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस से उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा चीज़ों को कि कहीं यह तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन में हम सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन जो कि प्रॉबेबली करा सकते हैं वो है सोनोग्राफी, ठीक है ना। तो दोस्तों अब सीधे सीधे आते हैं इसकी दवाओं पे। दोस्तों जो मैं दवाएं बता रहा हूँ वो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी भी रिपर्टरी के अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये दवाएं मैंने ढूंढी हैं सिर्फ एरर एंड ट्रायल सैकड़ों पेशेंट पे करने के बाद। तो द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द पेशेंट ऑफ एपिडिडाइमल सिस्ट आर, फर्स्ट इज द एपिस मेलिफिका। ये लेना है आपको 30 पोटेंसी में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। एंड द सेकेंड मेडिसिन, बड़ा आश्चर्य होगा इसका नाम सुन के आपको, और आपने ये हजारों बार पढ़ भी ली होगी पर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, ना आपको रिपर्टरी में मिलेगा। द सेकेंड मेडिसिन इज द ग्रेफाइटस 30। तो आपको ग्रेफाइटिस 30 भी लेना है, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। और डिपेंडिंग अपॉन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द केस, मतलब केस कितना पुराना है, एक्यूट है कि सब एक्यूट है, कि कई लोगों को क्रॉनिक भी होता है एपिडिडाइमल सिस्ट, तो उस पर डिपेंड करके इसका मियाद अपन डिसाइड करेंगे। वैसे अगर आपको एपिडिडाइमल सिस्ट है या आपके किसी पेशेंट को है तो ये दो मेडिसिन चार चार गोली 3 बार आप उसको 1 महीने तक लगातार दीजिए। और मेरा चैलेंज है विद द पासेज ऑफ एवरी वीक आप ये पाएंगे कि वो जो सिस्ट है वो छोटा होके अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।